नहीं भाई, आप मिलने आए, बहुत अच्छा लगा हमें। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू चैनल। सो गाइस, डेट हो चुकी है 5th of June। आपने लास्ट वीडियो देखी होगी, जो हमने प्रैंक करा था वो इसी रूम में करा था, और अब दिन निकल चुका है, सुबह के 5 बजे रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा प्रैंक तो जाके देख लो, लाइक शेयर कमेंट जरूर करो, बताना कैसा लगा। 3:30 बजे तक एडिटिंग करी, फिर अपलोडिंग पर लगाई, फिर अपलोड होते होते टाइम लग गया, और टाइम को पता नहीं लगा कब 5 बजे को, और अंधेरा ढल गया और सुबह हो चुकी है। बाहर से पक्षी भी चचा रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं कि अनंतपुर साहिब चलते हैं, यहाँ से भी नहा धोके और सुबह सुबह दर्शन करके आते हैं आज, और आपको भी कराते हैं। तो टाइम हो चुका है 5:45 और हम नहा धोके नीचे आ चुके हैं, अभी बाइक करते हैं स्टार्ट और निकलते हैं। मौसम थोड़ा थोड़ा हो रखा, बादल लगा, हो सकता है बारिश आए, नहीं भी आए साफ हो जाएगी, हल्के हल्के हैं बादल। और ये लग चुका है अपने काम पर रोज के सफाई। सुबह घर से निकले थे ना, मौसम बढ़िया ठंडा मौसम था और ना बारिश की उम्मीद थी, अब पूरे रास्ते ना बारिश आई है। जैसे वैष्णो देवी बस तू आ जा, जैसे वैष्णो देवी गए थे जब आई थी ना भाई बारिश, बिल्कुल वैसी बारिश हो रखी है। इसके साथ जूते सब गिल्ले हो गए हैं, गिल्ले तो मेरे भी कर दिए इसने जूते, बाकी कपड़े तो मेरे बच गए क्योंकि मैं पीछे बैठा था। बाकी अभी एक जुगाड़ है वो करेंगे, उससे जूते सूख जाएंगे। यहाँ से 40 किलोमीटर के करीब रहता है अनंतपुर साहिब, चलते हैं। बस बारिश रुकी गई है। पहले भी जाएगी
छः बजे हम घर से निकले थे और अभी बज चुके हैं 9 और 9:45। हाँ 6:45 बजे घर से निकले थे और 9:45 बज गए, मतलब 3 घंटे पहुँच गए ना, 3 घंटे लगे यहाँ तक। और पूरे रास्ते इतनी ज़्यादा बारिश थी ना, और यहाँ आते ही धूप मिली। जैसे ही आनंदपुर साहिब में एंटर करा ना गेट से, वहाँ से धूप स्टार्ट हो गई थी। और बाकी अभी देखते जाते टाइम मौसम कैसा मिलेगा, बाकी दर्शन कर लिए बढ़िया, बिल्कुल शांति है चारों तरफ और ना भीड़ है, और हम साइड में खड़े हैं इसलिए मास्क नहीं लगा रखा। बाकी पूरे कपड़े गिल्ले हो गए थे हमारे बारिश में, रुके नहीं हम, चलते रहे यहाँ आते बिल्कुल सूख गए, बहुत तेज धूप हो रखी है। आंखें भी नहीं खुल रही, इतनी ज्यादा धूप है, और नींद तो आई रखी, पूरी रात सोई भी नहीं, और अभी भी ऐसे ही हो रहा है। ऊपर तो ने परेशान कर रखा था, धीरे चला ऐसी तैसी कर रखी थी। ये वो सामने जो टॉप पे मंदिर है वो नैना देवी का मंदिर है, यहाँ से 24-25 किलोमीटर है। तो पीछे है नैना देवी का मंदिर, आज से 3-4 साल पहले आए थे, तो जब गए थे नैना देवी में कैसे 4 साल हो गए जब गए थे, उसके बाद 4 साल हो गए कुछ 11-12 में गए नहीं, और इस साल लॉकडाउन में नहीं गए, पिछले साल भी लॉकडाउन में गए। अब देखो माता रानी कब बुलाती है, फिर जाएंगे। अनंतपुर से 40 किलोमीटर करीब आ चुके हैं, और यहाँ चारों तरफ हरियाली है। बारिश अनंतपुर साहिब जाके रुक गई थी, और कपड़े भी सूख गए थे मेरे, तो गिल्ले हुए नहीं थे, आर्यन के गिल्ले हुए थे, इसके तो बेचारे के भी सूखे भी नहीं पैंट। आपने अगर देखा हो यूट्यूब पे किमी पवन करके कपल हैं, व्लॉग्स बनाते हैं, ये वहाँ से अनंतपुर साहिब से थोड़ी सी दूर था उनका गाँव, मैंने सोचा भी चले जाते हैं अगर मिलेंगे तो ठीक है, ना तो फिर अपना घर पे वापस चले जाएंगे। यहाँ से 4-5 किलोमीटर रहता है उनका गाँव, और फिर वहाँ जाके देखते हैं मिलते हैं ठीक है, नहीं तो फिर अपना घर चले जाएंगे। इसकी हालत देखो बेचारे की, इसकी पैंट भी गिल्ली, जूते में पानी भरा हुआ है। जिंदगी बर्बाद हो गया। सो फाइनली जिसका सुबह से वेट कर रहे थे, सारी गलियों में घूम के गांव पहुंच गए थे, और फाइनली सर और मैम से मिल चुके हैं। काफी देर तक बैठे थे, अभी चाय वगैरह पी के बैठ गए, और सामने हमारे आपसे मिलवाता हूँ। हेलो, बहुत ही बढ़िया नेचर है दोनों का, और हम काफ़ी देर तक बाहर खड़े रहे, कोई आया नहीं, हमें लगा घर पे होंगे नहीं, नवा शहर गए होंगे। हाँ डेली जाते हैं, मतलब अधिकतर टाइम नवा शहर में रहता है। A few moments later. थैंक यू भैया भाभी टाइम देने के लिए, मिलने के लिए, इतनी दूर से आए थे हम। कोई बात नहीं भाई, आप मिलने आए, बहुत अच्छा लगा हमें। वैसे मुझे हिंदी नहीं बोलनी आती अच्छे से। बहुत ट्राई कर रहे हैं हिंदी बोलने की, बहुत ज्यादा ट्राई कर रहे हैं। कोई नहीं, आ जाएगी, बोलते हैं भाभी, सिखा देंगे उनको आती अच्छे से। एना टाइम हो गया हुण तक नहीं सिखा रहे। हिंदी थोड़ा जहा हाथ औखा चलता है। चलो ठीक है भैया, थैंक यू। ठीक है, ओके, थैंक यू।